दोस्तों अगर आप भी SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, चाहे SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, और दोस्तों अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का पिन भूल गए तो दोस्तों कैसे आप SBI क्रेडिट कार्ड का पिन को चेंज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का नया पिन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी SBI क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में बिल्कुल नया तरीका बताने वाले हैं। यहाँ पर एक नया अपडेट आ गया है, अब आपको नई तरीके से SBI क्रेडिट कार्ड का पिन को चेंज करना होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड का पिन को चेंज करने के लिए आपको जो है SBI कार्ड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद SBI कार्ड ऐप को ओपन करना है। दोस्तों SBI कार्ड ऐप में कैसे रजिस्टर करते हैं मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर MPIN डाल करके लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम MPIN डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। जिसे यहाँ पर आप MPIN डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SBI कार्ड ऐप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास SBI का एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होगा, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास SBI का दो क्रेडिट कार्ड है, एक है कैशबैक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपको जिस क्रेडिट कार्ड का पिन को चेंज करना है आपको इस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड का पिन को चेंज करने के लिए, नया पिन बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, तो आपको क्या करना है सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जिसे आप सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक ऑप्शन शो करेगा चेंज कार्ड पिन का, तो आपको क्या करना है चेंज कार्ड पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप चेंज कार्ड पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पिन का, तो आपको क्या करना है चेंज पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप चेंज पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पर नया पिन डालने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपको पिन रखना है 4 डिजिट का, उस पिन को यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पर जो भी मुझे पिन बनाना है उस पिन को यहाँ पर हम डाल देते हैं। दोस्तों जो पिन आप यहाँ पर डालेंगे उसी पिन को आपको दोबारा से कन्फर्म न्यू पिन में डाल देना है। यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया है जो भी मुझे क्रेडिट कार्ड का पिन रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, दोनों में से कोई भी ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर दोस्तों ओटीपी नहीं जा रहा है तो यहाँ पर रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद एक ऑप्शन है सबमिट का, सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप सबमिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन लिखा आ जाएगा, योर कार्ड पिन हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। यहाँ पर दोस्तों आपका SBI क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज हो गया है। इस तरह से आप SBI क्रेडिट कार्ड का पिन को चेंज कर सकते हैं, एक नया पिन सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।